नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन फोर टेक पर। कल की वीडियो हमने देखा था कि एक्सेल सीट पर कोई भी नंबर लिखते हैं, उसके पहले अगर आप शून्य लगाते हैं तो वो शून्य ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। ये वीडियो हमने कल अपलोड किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपका इसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अक्सर एक्सेल पर काम करते होंगे, इस फॉर्मेट को देखा होगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी सेल में नंबर डिजिट लिखते हैं तो आपका 11 डिजिट के बाद अगर ये 12 डिजिट हो जाता है तो सेल ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में लिखना चालू कर देता है। अगर आप 13 लिखेंगे तो 12+1 हो जाएगा, मतलब 11 डिजिट तक तो ये संख्या लेगा, लेकिन 11 के बाद में अगर ये आप एक भी नंबर आ गए या दो नंबर तीन नंबर जैसे बढ़ाएंगे तो 12+13+ ऐसे शो करेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस नंबर आपने लिखा, आप जिसमें आप 11 डिजिट लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, आपने ये नंबर लिखा, 11 तक तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन 11 के बाद आप एक भी डिजिट अगर इसमें लिख देते हैं, ठीक है, आपने एक भी डिजिट लिखिया तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट को चेंज कर देगा। आप चाहे तो इस सेल को आप कितना ही बड़ा कर लीजिए, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं आपको इसको फॉर्मूला बिल्कुल बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि देखिए, जैसे ही 11+1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 11+1, ये इसमें 12 डिजिट है। अब जैसे मैं इसमें 12 डिजिट लिख देता हूँ, 13 डिजिट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 इसमें लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12+1 यानी कि 13, 12+1 यानी कि 13, उसका 13 हो चुका है। अब दोस्तों, जैसे आप इसको पहले एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे 11+ ये नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब 11+1 या इसमें 12 डिजिट है, 12+1 13 डिजिट है, 13+1 14 डिजिट है, मतलब अगर आप जो डिजिट लिखा हुआ है पीछे, जो डिजिट लिखा हुआ है उस डिजिट के आगे देखिए, मतलब उस डिजिट प्लस वन, ये डिजिट प्लस वन, ये डिजिट प्लस वन, मतलब 16+1 17, 15+1 16, 14+1 15, ठीक है। अब आप दोस्तों, आपको पता ही होगा, इसको आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सिंपल से फॉर्मूले के माध्यम से इसको बिल्कुल सही लिख सकते हैं। आप संख्या कितने भी लिखे आप चाहे, इसमें फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना होगा, क्योंकि आपको पता ही है फॉर्मूले में तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इसके बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको एक सिंपल से लिखना होगा टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंटेक्स देखिए, ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, सिंटेक्स आप ये सिंटेक्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक कोमा लगाइए, आप कोमा लगाने के बाद आप डबल डॉट लगाइए, डबल डॉट के अंदर जितनी भी संख्या है, जैसे में संख्या है 11+1 12+1, मतलब जितनी भी संख्या है उतनी आपको जीरो लगाना है, 11+1 यानी 12, तो आप यहाँ पे 12 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आप इसको, इसके बाद आपको, आपने डबल कोट ऑन किया है तो आप डबल कोट ऑफ कर दीजिए, इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन भी है तो ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, इसके बाद सिंपल सा एंटर कीजिए, देखिए आपका आ जाएगा। अगर इसको आप बिल्कुल सभी में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पकड़ के इसको ड्रॉ नीचे तक करना है, आपके बिल्कुल संख्या पूरी बराबर हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।